केंद्र सरकार गन्ना किसानों को फायदा देने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत पर खरा ये दावा नहीं उतर पा रहा। कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रैक्टर भट्टी चूल्हा लेकर नारेबाजी प्रदर्शन करते ये गन्ना किसान हैं, जो अपने हक के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। उनका आरोप है कि उन्हें गन्ना भुगतान और जो रुका हुआ भुगतान है वो नहीं मिला है। सरकार के कानून पर सवाल उठाते हुए किसानों का कहना है कि देश में बने कानून गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए मुख्तलिफ हैं। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर अब आंदोलन तेज होगा। देखो, आज हमारी मांगे नहीं, जो सरकार ने घोषणा कर रखी है, जो इस देश में कानून है, उन कानूनों का पालन कराने की मांग लेकर हम आए कि भाई इस देश के अंदर दो कानून चलते हैं, एक कानून पूंजीपतियों के लिए और एक कानून गरीब आदमी के लिए। एक कानून पूंजीपतियों के लिए ये चलता है कि 14 दिन के अंदर अंदर गन्ने का बकाया भुगतान होना चाहिए। एक कानून बना हुआ, 14 दिन में अगर कोई भुगतान नहीं करता तो ब्याज सहित भुगतान मिलना चाहिए, लेकिन आज तक उस कानून का उत्तर प्रदेश की सरकार पालन नहीं करा पाई, इसलिए भारतीय किसानों को आज यहाँ आना पड़ा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, भारी पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ा। R9 TV के लिए बिजनौर से राजवीर चौधरी की रिपोर्ट।